पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे, प्रश्न देखे थे पार्ट एक ध्वनि से संबंधित। वो प्रश्न, तीन प्रश्न मैंने आपको यहाँ करवा दिए और तीन प्रश्न आपको पढ़ने के लिए दिए। अब उसके आगे वाला जो पार्ट है, उसके आगे वाला जो लक्ष्य वो पढ़ते हैं हम लोग, अनुमान और कल्पना। पार्ट एक का ही निकालिए, आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न देखते हैं हम लोग। कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। आप लोग भी सब मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक खोल लीजिए। फूटे हैं आमों में बौर, भोर वनवन फूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। जैसा कि कविता से इसमें एक तो त्यौहार का नाम आ रहा है, भोरों का नाम आ रहा है, तो उससे आप लोगों को सबको स्पष्ट हो गया है कि कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है इसमें, बसंत ऋतु का। इस प्रश्न को आपको करना है, इसमें लिखना है कि बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, साथ ही इसमें लिखना है इसका अर्थ भी। फूटे हैं आमों में बोर, आम है, आम में बोर आने लगे, उनमें मंजरियाँ आने लग गई, आम में बसंत ऋतु में मंजरियाँ आने लग जाती है। भोर वन वन फूटे हैं और भोरे वन वन घूमने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही पुष्प खिलने लगेगा तो भोरे ही सबसे पहले ज़्यादा ऊपर बैठेंगे, इसीलिए भोरे वन वन घूमने लगते हैं। होली मची ठोर ठोर, और होली का महीना प्रारंभ हो गया है, फाल्गुन मास प्रारंभ हो गया है, इसीलिए जगह जगह होली की धूम मचने लग गई है, सभी बंधन छूटे हैं और सारे बंधन एक तरह से प्रकृति ने खोल दिए हैं, उसके छूट गए हैं। इस तरह से इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर दो है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। तो फूलों और पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, ये आपको खुद लिखना है, स्वयं करना है कि आप फूलों और पौधों के लिए क्या करना चाहते हैं, उनमें पानी देना चाहते हैं, उनको सींचना चाहते हैं, उनमें खाद डालना चाहते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं जिससे पेड़ पौधे बड़े हों और यहाँ हमारी प्रकृति सुरम्य हो जाए, तो ये आपको स्वयं करना है अपने विचार लिखने से। प्रश्न नंबर तीन है, कवि अपनी कविता में एक कल्पना से पुराने की बात बता रहा है, अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों को अन्य किन किन संदर्भों में संबंध से जोड़ा जा सकता है। इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है, ये प्रश्न आपको नहीं करना है। इसके पश्चात आप आइए, इसके पश्चात भाषा की बात। भाषा की बात आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की अर्थ की पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति यानी एक ही शब्द का अर्थ बार बार आना, वो थी पुनरावृत्ति यानी बार बार आना। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में आया है, हरे हरे पत्तों का विशेषण, हरे हरे पात हरे हरे पत्तों का विशेषण आया है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है, जैसे तीन बेर खाती थे वे तीन बेर खाते हैं, यानी वह तीन बार खाती थी और सिर्फ तीन बेर खाती। एक शब्द बेर का दो अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया, बेर का एक बार अर्थ लगा है, दूसरी बार अर्थ लगा है, तो ये वाक्य में चमत्कार हो गया है। इसे यमक अलंकार कहा जाता है, जो वाक्य में चमत्कार आता है इसे क्या कहा जाता है, यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का अलग अलग कर दिया जाए और एक होता है मन का, दो शब्द हैं दोनों को अलग अलग शब्द हैं परंतु हमें ऐसा लगता है कि उसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये अब जब आप विद्यालय खुलेंगे उसके बाद ही करना है, इसको आपको नहीं करना है। इसी प्रकार कोमल गात मधुर बसंत हरे हरे ये पात विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता उसे विशेष्य कहते हैं, विशेषण जिस संज्ञा या संकाश विशेषता जिस बताए उसे विशेष्य कहा जाता है। ऊपर जो व्याख्यान दिया गया है, कोमल गात मधुर बसंत हरे हरे ये पात
इसमें गात बसंत और पार तो क्या है विशेष्य, गात बसंत और पार तो विशेष्य शब्द है और क्रमशः कोमल मृदुल और हरे हरे ये क्या है इसमें विशेषण शब्द। और इसी प्रकार हिंदी में विशेषण चार प्रकार के हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामी विशेषण। ये हम विशेषण जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ा जाएगा इसको। अब आपको ये ग्रह कार्य करना है जो इस पाठ से संबंधित प्रश्न मैंने बताए हैं या आपको करने हैं। इसमें प्रश्न नंबर एक है, कविता के माध्यम से कवि ने किन लोगों का करार किन लोगों को करार जवाब जो ऐसा मानते हैं कि कवि में प्रतिभा नहीं होती है, कवि का वक्तव्य में प्रभावशाली नहीं होता, ऐसे लोगों को कराना चाहते हैं। प्रश्न नंबर दो, वन और नियंत्रित कवियाँ हैं किसके प्रतीक है, तो वन तो यहाँ पर कवि की कवि के लिए उपवन के समान है, ठीक है ना। और नियंत्रित कवियाँ हैं जो आलस में और निद्रा में डूबे हुए युवा पीढ़ी के लिए है। कवि अपनी रचनाओं द्वारा किसको उत्साहित करना चाहता है, कवि अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी को उत्साहित करना चाहता है ताकि वो उत्साहित होकर आगे बढ़े। पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए क्यों दिया है, पुष्प का उदाहरण भी कवि ने युवा पीढ़ी के लिए दिया है क्योंकि कलियाँ जब पुष्प बनकर आगे अपनी छटा को बिखेरती है, उसी तरह से युवा पीढ़ी के लिए कहा है कि युवा पीढ़ी भी अपनी छटा को आगे से आगे बिखेरती रहे, आगे से आगे बढ़ती रहे। द्वार दिखा दूंगा से कवि का क्या आशय है, द्वार दिखा दूंगा यानी आगे बढ़ने का। कवि ये कहना चाह रहा है कि अगर युवा पीढ़ी चाहे युवा अपने निद्रा और आलस्य छोड़ दे तो मैं आगे बढ़ने का उनको आगे से आगे चलने का उनको प्रगति करने का द्वार में दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत कविता का ये कथन उसकी किसी विशेषता का परिचय कराता है। अभी न होगा मेरा अंत ये कविता का ये कथन कवि में जिजीविषा जीने की इच्छा और आत्मविश्वास और उत्साह इस विशेषता का परिचय करता है। कवि में जिजीविषा है जीने की इच्छा है और उसमें आत्मविश्वास और उत्साह है जिससे वह आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो छह प्रश्न हैं ये आपको स्वयं गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं या आपको करने हैं